सो गुड डे टू ऑल गाइस, विंडोज़ 11 को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू मुझे हुआ। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ आफ्टर 30 डेज मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। अगर आप स्विच करना चाहते हो विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में तो ये वीडियो आप ज़रूर देखकर स्विच करेंगे, और अदरवाइज आपको भी कहीं ना कहीं जाकर इशू होगा। और अगर आपने अपने विंडोज़ का बैकअप नहीं रखा है तो आप कीज़ वगैरह का भी प्रॉब्लम हो जाएगा और खो देंगे। तो विंडोज़ 11 30 डेज़ के बाद मुझे 7 टाइप्स की कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिला, जिसमें मुझे लगा कि मुझे विंडोज़ 10 में रोल बैक करना चाहिए। और चूंकि मैंने अपना बैकअप रखा हुआ था तो मैंने दोबारा से पेन ड्राइव को इंसर्ट किया और उसका बैकअप रिकवर कर लिया। अगर आपने बैकअप नहीं लिया है तो आपको कहीं इशू हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ये कौन से ऐसे 7 तरीके के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिला, और ये आपको प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं जरूर कमेंट करके बता देंगे। अगर 7 टाइप्स की प्रॉब्लम से जरूर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है अगर आप विंडोज़ 11 के यूज़र हैं, और अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और विंडोज़ 11 के कुछ ऐसे कॉन्स के बारे में आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो मुझे यहाँ पे इशू देखने को मिला वो सिक्योरिटी इशू को लेकर मिला। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आजकल डिमांडिंग में है और बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्टिव होना चाहिए। तो विंडोज़ डिफेंडर जितना ज़्यादा मतलब अपडेट किया गया और जितना अच्छे तरीके से इसको अभी मतलब कि बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा ये सिक्योर कर रहा है हमारे सिस्टम को, बट कहीं ना कहीं इतना करने के बाद विंडोज़ 11 में ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जा रहा है, ऑफ़ हो जा रहा है। तो बार बार इसको रीस्टार्ट करने पर भी ये ऑफ़ हो जा रहा है और इसको जाकर मैनुअली हमेशा हमें ऑन करना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ा एक मेजर इशू मुझे देखने को मिला जो कि अभी तक फिक्स नहीं हुआ। बीच में एक दो ऐसा अपडेट आया था एक दो दिन करके कि मैंने उसको जब यूज़ किया तो ऑटोमेटिक वो ऑन हो जा रहा था, बट उसके बाद बहुत सारे ऐसे अपडेट आए और लगातार अपडेट आने के बाद भी वो चीज़ प्रॉब्लम फिर से आ गई और वो चीज़ फिक्स नहीं हुई। तो आपका भी क्या सिक्योरिटी यानी कि विंडोज़ डिफेंडर प्रॉब्लम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो कॉमेंट करके बता सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अपडेट करने के बाद हमारा जो PC है यानी कि लैपटॉप 8GB कन्फिग्रेशन मतलब रैम के साथ i3 है 7th या 8th जनरेशन है SSD के साथ ये स्लो होता जा रहा है। मतलब स्टार्टिंग के 5 to 10 डेज तो बहुत अच्छा चला, बट उसके बाद मुझे प्रॉब्लम होने लगी धीरे धीरे और लगातार ये इशू होने की वजह से मुझे इरिटेशन हुआ और मैंने उसको रोल बैक कर दिया। ओके, तो अपडेट करने के साथ साथ PC थोड़ा स्लो हो रहा है। मैं बाद में रिकमेंड करूंगा कि आपको यूज़ करना नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या तो फिर अगर आप यूज़ करने को सोच रहे हैं तो कब आपको इस्तेमाल करना चाहिए ये भी मैं आपको बता दूंगा। थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करूं, टास्क बार नॉट ओपनिंग एंड जो भी प्रोग्राम है वो भी प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो रहा है। टास्क बार जो सबसे नीचे होता है वहाँ पर क्लिक करने पर कुछ कहीं और क्लिक हो रहा है। मतलब इतना अच्छे क्वालिटी का कीबोर्ड एंड माउस सारी चीज़ें मैंने रखा हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट कहीं ना कहीं टास्क बार पर मैं एक्स प्रोग्राम को ओपन कर रहा हूँ तो वाई प्रोग्राम वहाँ पे क्लिक हो जा रहा है, ऐसा मुझे फील हुआ। और ऐसा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन और ये सारी चीज़ जरूर फील करना पड़ता है। तो आपको भी क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हुई? और टास्क बार पे सबसे बड़ा इशू है कि आप कुछ भी क्लिक कर रहे हो या ड्यूअल स्क्रीन वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ड्यूअल स्क्रीन जब आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपके टास्क बार का जो ड्यूअल स्क्रीन पर ऑप्शन है वो हाइड हो जा रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है विंडोज़ P करने के बाद, जो आप साइड में देखते हो कि प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का स्क्रीन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पर अप डाउन की यानी कि आप इस की से उस ऑप्शन को नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला। बहुत सारी जगहों पर हमारा कीबोर्ड काम करना बंद कर दे रहा है, कीबोर्ड मतलब कमांड नहीं सेंड कर पा रहा है। तो ये कुछ अभी बग इसके अंदर है जिसको फिक्स होने तक हमें वेट करना चाहिए। फोर्थ नंबर का पॉइंट यहां पे बता दो, ड्यूअल स्क्रीन जो है वो मैंने आपको बता दिया। फिफ्थ नंबर पर इंटरनेट कनेक्ट हो जा रहा है, मतलब वाईफाई से मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूं और इंटरनेट कनेक्टेड लिख रहा है, लेकिन उसके 2-3 मिनट तक भी हमें वेट करना पड़ रहा है और इंटरनेट नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई भी वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है। ऐसा क्यों आखिर हो रहा है? तो कहीं ना कहीं अभी विंडोज 11 के अंदर ये छोटे छोटे बग हैं जो आने वाले समय पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जरूर फिक्स हो जाएगा और ये सारी चीज़ें हैं। तो कोई भी ऐसी वेबसाइट ब्राउजर पर भी जाने के बाद दे रहा है नॉट कनेक्टेड, इंटरनेट नॉट मतलब अवेलेबल, ये सारी चीज़ें, बट अगर आप वाईफाई की स्टेटस में देखेंगे तो वहाँ पे कनेक्टेड लिख कर आ रहा है। ओके, उसके बाद 6 नंबर का ऑप्शन ऑडियो इशू आ रहा है, बट समटाइम्स कभी कभी क्या हो रहा है कि ऑडियो जो साउंड है वो कुछ नोटिफिकेशन सेंड कर रहा है कि योर ऑडियो में भी करप्ट या ये सारी चीज़ें, बार बार ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। जब भी 2-3 प्रोग्राम एक साथ मैं ओपन कर दे रहा हूँ तो ऐसे ये प्रोग्राम्स वगैरह क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए कि अगर ऑडियो वगैरह पे आपको ज़्यादा काम करना है सारी चीज़ें, तो ड्यूरिंग मीटिंग और इन सब चीज़ों में ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन क्लास और ये सब चीज़ें लेने में, तो वहाँ पर मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता कि विंडोज़ 11 पर अभी आप जूम या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करें।
वायरलेस कीबोर्ड माउस जब भी मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो जरूर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। वायरलेस कीबोर्ड माउस ऐसे देखो, विंडोज 10 पर जैसे ही मैं यूज करता हूं ये तुरंत कनेक्ट हो जाता है और ये बहुत ही फास्ट कनेक्टिविटी होता है। इससे मैंने एक माउस भी ऐसे ले रखा है, ये अप्रॉक्स में 2400 का माउस है, ये 3000 के आसपास है, काफ़ी अच्छे कैटेगरीज के ये माउस कीबोर्ड हैं, बट कहीं ना कहीं इशू देखने को मिल रहा और वो चीज़ प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने को देखने को मिला है। ये सारी चीज़ें ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस है, यानी कि आपका वाईफाई या वायरलेस कनेक्शन जो भी है आपके विंडोज 11 पर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी या किस किस तरीके का आप प्रॉब्लम फेस करो जरूर कमेंट करके बता देना। एंड हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो उसमें VC रन टाइम एरर कुछ एरर कोड बता रहा है और उसको वेबसाइट से डाउनलोड करके बार बार फिक्स करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं और बहुत सारे प्रोग्राम काम भी नहीं कर रहे हैं। अपडेट जैसे जैसे आ रहा है कुछ ना कुछ उसके अंदर हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, कुछ ना कुछ उसमें बुरी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये सब है, मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया, जो मुझे प्रॉब्लम थी मैंने आपको शेयर किया। आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है कॉमेंट करके बताएं, ताकि सभी लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो और सभी लोग उससे रिलेटेड आगे अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो अपना देखकर सोच समझकर कर सकें। बाकी अगर विंडोज 11 आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको वेट करना चाहिए एटलीस्ट तब तक जब तक कि विंडोज 11 का एक स्टेबल ISO फाइल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं हो जाता या माइक्रोसॉफ्ट का एक डिफॉल्ट अपग्रेड सिस्टम आपके अपडेट में नहीं आ जाता, तब तक आप अपने विंडोज 10 को अपडेट ना ही करें, अपग्रेड ना ही करें विंडोज 11 में तो ही बेटर है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, बट आपका ओपिनियन आप देख लो। अगर आपका कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों को फेस करते हो, आप अपना काम कर सकते हो, तो विंडोज 11 को जरूर इंजॉय करिए, कोई इशू नहीं होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।